फागुन समारोह समिति की बैठक गुरुवार 31 जनवरी को दोपहर 12 बजे स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इस बार फागुन समारोह 20 मार्च को जवाहर रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सफल आयोजन के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया। सदस्यों को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपी। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष यह समारोह अजमेर के पत्रकारों, विभिन्न सामाजिक संगठन, कलाकार, साहित्यकारों आदि द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें हास्य की फुलझड़ियां, चुटकुले टाइटल दिए जाते हैं, हंसा हंसा कर नोटपोट कर देने वाली झलकियां, नाटक आदि प्रस्तुतियां होती है और अंत में मूर्खराज, महामूर्ख आदि का चयन किया जाता है। इसमें शहर के प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ, कारोबारी, पत्रकार सहित प्रमुख प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। देखिए, अजमेर के पत्रकार, यहाँ के राजनीतिज्ञ, कवि, साहित्यकार, कारोबारी और बहुत गणमान्य लोग जो हैं वो पिछले 30 वर्षों से फागुन महोत्सव के नाम से एक बड़ा आयोजन करते रहे हैं और ये आयोजन पूरी सफलता के साथ, भव्यता के साथ संचालित हो रहा है, चल रहा है। इस बार ये कार्यक्रम 20 मार्च को आयोजित होगा। उसी दिन होली दहन है और ये कार्यक्रम होली दहन के दिन ही किया जाता है। ये उसी की तैयारियों को लेकर के ये आज मीटिंग आयोजित की गई है। या आज जो मीटिंग है, ये तीसरी मीटिंग है। इसमें किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, समितियाँ बनी हैं, कौन कौन इसके नाटकों में भाग लेंगे, कौन कौन इसके अवार्ड तैयार करेंगे, टाइटल तैयार करेंगे, इस काम की पूरी मीटिंग हुई है। कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर होगा और दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। उस कार्यक्रम में एक से एक हास्य व्यंग की झलकियाँ होंगी, नाटक होंगे और खूबसूरत चुटीले टाइटल दिए जाएंगे, अवार्ड्स दिए जाएंगे, मूर्ख मंडली का चयन किया जाएगा, मूर्खाधिपति, महामूर्ख, मूर्खाधिराज, ये सबका उसमें चयन होगा, उनको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा हर वर्ष की भांति इस बार भी इनामी कूपन जो है वो वितरित किए जाएंगे और इस बार ये तय किया है कि इनामी कूपन के जो अवार्ड होंगे उसमें इस समिति से जुड़े जितने भी मेंबर हैं वो और उनके परिवार के सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। इनामी कूपन आम जो दर्शक उसमें आएंगे, श्रोता जो उसमें रहेंगे, उन्हीं के लिए ही यह कूपन होगा। अब ये जो कार्यक्रम है पूरे राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और राजस्थान भर में इस कार्यक्रम की जबरदस्त ब्रांडिंग है और पूरे वर्ष अजमेरवासी इस कार्यक्रम का धन्यवाद करते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी फागुन महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाएगा। इस महोत्सव के अंदर सभी पत्रकार या जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग और प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, सारे इसमें भाग लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फागुन महोत्सव का पूरे शहर की जनता को बेसब्री से इंतज़ार होता है। यहाँ सब जने बिल्कुल दिल और मन के साथ सारे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें अलग अलग पत्रकारों को या अन्य जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सबको अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अजय मेरू प्रेस क्लब इसमें पूरी भूमिका निभाएगा। जो भी हमें मार्गदर्शन देंगे या जो भी दिशा निर्देश देंगे क्लब के जरिए, वो भी हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और सभी जनता का जो है वो आमजन इसमें जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें टाइटल वगैरह, हंसी के फवारे वगैरह, सारे शुभम वगैरह, सारे प्रोग्राम होते हैं और सब जने दिल लगा के इसको सुनते हैं। ये कब होगा वैसे? 20 मार्च को आयोजन है इसका, 20 मार्च को जवाहर रंगमंच पर इसका आयोजन होगा। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।